जंगल। समय से पहले स्कूल प्राथमिक विद्यालय हुआ बंद, शिक्षक हुए लापता। देखिए खबरें आज भी के लिए, गाजीपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां काशमाबाद ब्लॉक ग्राम सभा रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय आधे घंटे से पहले ही बंद हो चुका था। अध्यापक गायब हो चुके थे। जब हमारी टीम स्थानीय लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि आए दिन इस तरह होते रहता है। विद्यालय में बच्चे तो रहते हैं लेकिन अध्यापक लापता रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि आज 11:40 पर विद्यालय बंद हो गया और अध्यापक घर पे चले गए। वहां के ग्रामीणों का कहना है, मानना है कि यहां से शिक्षक नादारत रहते हैं और बच्चे पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। आए दिन समय से पहले ही विद्यालय बंद कर दिया जाता है और शिक्षक घर पर चले जाते हैं। इस विषय पर खंड शिक्षा अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में हमने संज्ञान में ले लिया है और मामले की जांच कर उन तीनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारा नाम कृष्णा। कौन स्कूल में पढ़ा था? हम सरकारी। का नाम है स्कूल? कौन गाँव है? रामगढ़। रामगढ़ कौन सा मास्टर हूँ यहाँ? दो सर जी और तीन गो मैडम जी। आज कौन बजे बंद हो? 11:40 पहले। क्या है आप? कुछ नहीं, किसान आदमी है, घर रहते हैं। मकान कहाँ है आपका? रामगढ़ में है। रामगढ़ के रहने वाले? आपके यहाँ विद्यालय आधे घंटे पहले बंद हो गए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये सब गलत है, समय से बंद होना चाहिए, समय से चालू होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? अब यहाँ के व्यवस्थापकों लोग जिम्मेदार होंगे ना। खंड शिक्षा अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह। रामगढ़ का एक मामला आया हुआ है, जैसे 11:30 स्कूल बंद कर दिया गया, कितने लोगों की नियुक्ति है और क्यों बंद हुआ? वहाँ 3 अध्यापक नियुक्त है और आपकी सूचना की मैं कल अपने संकुल प्रभारी को वहाँ भेजूँगा, उसकी जाँच करा लेता हूँ। अगर आपके पास कोई वीडियो भी हो तो हमें दे दीजिए और जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाए। सर सुनने